आप देख रहे हैं खबर NDTV रिश्ता हर खबर। 23 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के समृद्धि में पूर्वांचल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के नेतागण इस कार्यक्रम को कैसे सफल करें इसके लिए रात दिन एक कर रखे हैं। वहीं सैदला जाम के निगम पार्षद संजय ठाकुर ने जनता से नम्र निवेदन किया कि आप सब लोग लाखों की संख्या में पहुँचे और देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं उनके बारे में सुने। आइए ले चलते हैं संजय ठाकुर ने क्या कहा। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, दिल्ली और NCR में रहने वाले पूर्वांचल वासियों से नम्र निवेदन। पहली बार जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 साल में जो पूर्वांचल वासियों के लिए किया है, बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, उत्तराखंड और आसाम और दिल्ली और हरियाणा, पूरे देश के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं, उसके लिए हिंदुस्तान के पूर्वांचल वासी श्री मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में, श्री अमित शाह जी के सानिध्य में रामलीला मैदान में 23 तारीख को सुबह 12 बजे अपने पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह के द्वारा आप सादर आमंत्रित हैं। मैं संजय ठाकुर, निगम पार्षद सैदला जाव, वर्ष कमेटी का चेयरमैन, आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि लाखों की संख्या में पहुँच के देश के प्रधानमंत्री जो किए हैं उसके बारे में सुनिए। सर, संगम बिहार की श्रीमती माया मिश्र जी हैं, अभी कार्यक्रम का ये करने आए हैं कि भैया किस तरह का कार्यक्रम करना है, कैसे चलना हम लोग को और क्या व्यवस्था है उसके बारे में अभी हमसे राय विचार करने आए। मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने पार्षद हैं, हम लोग 180 पार्षद हैं, श्री मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में, पार्टी के नेतृत्व में 180 पार्षद जीते हैं सब। हम लोग 272 से हम लोग पूर्वांचल वासी से नम निवेदन करता हूँ कि देखते रहिए खबर NDTV रिश्ता हर खबर से।